Hello my dear friends, you people are most welcome in our video session and you guys are watching IT Adda. आज का वीडियो थीम काफ़ी स्पेशल है माय डियर फ्रेंड्स, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी आउटलुक आप कॉन्फ़िगर करते हैं उसकी जो डेटाबेस फाइल बनती है वो बेसिकली विंडोज़ में उसकी लोकेशन क्या होती है। तो हमारे पास दो अलग अलग ऑप्शंस हैं। यदि आप अपनी डेटाबेस फाइल को फाइंड आउट करना चाहते हैं कि बेसिकली जो भी मेल्स आती हैं, क्योंकि आउटलुक की कंडीशन में जो भी मेल्स आएंगी वो आपकी मेल आपके लोकल कंप्यूटर के सिस्टम ड्राइव के अंदर एज अ फाइल स्टोर हो जाती है और उसी पर्टिकुलर फाइल्स में सारी मेल्स का डेटाबेस कंटेंट्स होता है। जितनी भी आपने मेल भेजी होंगी या रिसीव करी होंगी, जो भी मेल आपने ड्राफ्ट करी होंगी और जो भी स्केड्यूल टास्क होंगे, आपके कैलेंडर होंगे, ये जो कुछ भी एक्टिविटीज आपने रिलेटेड टू आउटलुक किया होगा वो सब कुछ एक फाइल के अंतर्गत सेव हो जाती है। बेसिकली वो फाइल की लोकेशन क्या होती है, इंटरव्यू में बहुत ही फायर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप कभी भी इंटरव्यू देने जाएंगे डेस्कटॉप सपोर्ट पे और आपका इंटरव्यू जरा सा भी ट्रैक आउटलुक की तरफ होता है तो आउटलुक में ये कुछ क्वेश्चन लाजमी है जो पूछे जाएंगे आपसे कि डिफॉल्ट लोकेशन ऑफ द आउटलुक डेटाबेस फाइल्स मीन्स .pst फाइल की लोकेशन क्या होती है। तो बेसिकली सबसे पहले आपको यदि आपकी डेटाबेस फाइल फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले तो आप ये कंफर्म करो कि आपकी मेल कॉन्फिगर है कि नहीं है आउटलुक पे। तो मैंने यहाँ आउटलुक एक्सप्लोर किया है और यहाँ पे आउटलुक पे मेरी मेल ऑलरेडी कॉन्फिगर्ड है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको कॉन्फिगर करना बताया था, यदि आपको नहीं आता है तो पहले जाके प्रीवियस वीडियोस देखिए कि हाउ टू कॉन्फिगर आउटलुक, देन आफ्टर आप इस वीडियोस का आनंद ले सकते हैं, ठीक है। सो आपके पास दो अलग अलग ऑप्शन है। सबसे पहले मैं आपको सीधे और सटीक ऑप्शन बताता हूँ। आप अपने अपना माई कंप्यूटर खोलेंगे, मीन्स दिस पीसी खोलेंगे और आप अपनी सिस्टम ड्राइव को टारगेट करेंगे क्योंकि आपकी डेटाबेस फाइल सिस्टम ड्राइव में होती है। तो सिस्टम ड्राइव ओपन करेंगे, सिस्टम ड्राइव के अंदर यूजर्स नाम का फोल्डर आता है, आप उसको ओपन करेंगे। यूजर फोल्डर के अंदर जो भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक यूजर जिस पे आपने आउटलुक कॉन्फिगर किया होगा, जो भी रनिंग यूजर होगा उस रनिंग यूजर को ओपन कर लेंगे। मेरे केस में मेरा यूजर एडमिन है तो मैंने एडमिन ओपन किया। एडमिन ओपन करने के बाद यहाँ पे ऐप डेटा आपको मिलेगा। ऐप डेटा की दो कंडीशन होती है, चूंकि ये बाय डिफॉल्ट हिडन फोल्डर होता है तो ये हमेशा हिडन मोड में रहता है। यदि आपके कंप्यूटर में ये ऐप डेटा नहीं दिख रहा है तो आपको व्यू ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे हिडन ऑप्शन को चेक कर लेना है। बेसिकली मैं जैसे ही अनचेक करूंगा आप देख रहे हैं मेरे लोकेशन में ऐप डेटा जो है वो डिसअपियर हो गया, मतलब इनविजिबल हो गया है। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे ऐप डेटा फोल्डर लाना है तभी मैं अंदर जा सकता हूं। तो मैं व्यू पे जाता हूं और यहां हिडन आइटम्स को चेक करता हूं। जैसे चेक करता हूं यहां पे ऐप डेटा नाम का फोल्डर आपको दिख जाएगा। आपको भी ऐसे करना है आपके केस में ऐप डेटा नहीं आ रहा है तो, ठीक है। तो ऐप डेटा को ओपन करेंगे। ऐप डेटा के अंदर आपको यहां पे एक लोकल रोमिंग और ये तीन फोल्डर्स दिखते हैं। तो बेसिकली लोकल को टारगेट करना है, आप लोकल फोल्डर ओपन करेंगे। लोकल के अंदर आपको यहां पे माइक्रोसॉफ्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट को ओपन करना है। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आपको यहां पे आउटलुक मिल जाएगा, आउटलुक ओपन करना है। ये आपकी डेटाबेस फाइल है जो बेसिकली आउटलुक कॉन्फिगर करने के बाद बनती है और इसी पर्टिकुलर फाइल में आपकी सारी मेल्स कंटेंट्स होती हैं। आउटलुक की जितनी भी एक्टिविटीज डेटाबेस से रिलेटेड होगी वो सारे डेटाबेस इसी फाइल में आके कंटेंट्स हो जाते हैं। सो बेसिकली इस फाइल की लोकेशन ये रही, दिस पीसी सी ड्राइव यूजर एडमिन ऐप डेटा लोकल माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। आप इसको लर्न कर लेंगे क्योंकि इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट लोकेशन ऑफ योर डेटाबेस फाइल .pst फाइल लोकेशन क्या होती है आउटलुक के केस में, तो आपको यही बताना होगा बेसिकली, ठीक है। तो यहां पे ये लगभग 30.9 MB की ये फाइल्स है जिसके अंदर जो भी मेल्स एक्टिविटीज हुई है वो सारी इसमें कंटेन्स है। तो आप इसकी बेसिकली इसका एक्सटेंशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है आपको। जैसे आप इसकी प्रॉपर्टीज खोलते हैं तो आपको यहां पे एग्जैक्ट पता चल जाता है आउटलुक डेटा फाइल एंड ब्रैकेट में आप फोकस करेंगे तो ये .pst फाइल है। तो बेसिकली OST PST दो फाइल्स होती है, इसके बारे में आगे चल के डिस्कस करेंगे, इसके बैकअप के बारे में बात करेंगे। आज का इस वीडियो का मेरा टारगेट बस यही है कि आपको डेटाबेस फाइल्स दिखा सकें कि डेटाबेस फाइल्स की लोकेशन क्या होती है। तो आज का वीडियो यही टारगेटिव रहेगा। आगे की जो OST PST की डिटेल्स हो गई, इनकी बैकअप्स की बात हो गई, वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये .ost बेसिकली फाइल है यहाँ पे। तो इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर सारे आपके जो भी ईमेल्स वगैरह हैं वो कंटेंट्स होती रहती हैं, ठीक है। तो वापस यदि आपको किसी दूसरे तरीके से आपको देखना है तो
तो आप सबसे पहले अपने आउटलुक पे चले जाएंगे। आउटलुक पे जाने के बाद यहाँ पे फाइल्स पे चले जाएंगे। फाइल्स पे जाने के बाद आप यहाँ पे अकाउंट सेटिंग ऑप्शन आता है, अकाउंट सेटिंग ऑप्शन पे चले जाएंगे। यहाँ पे अकाउंट सेटिंग ऑप्शन मिलता है आपको, दोबारा उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके ईमेल्स, डेटाबेस, रैश, फीड्स वगैरह ये सब बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, इनमें आपको डेटा फाइल्स पे क्लिक करना है। डेटा फाइल्स पे ये पर्टिकुलर जो फाइल है वो फाइल आपकी टारगेटिव लोकेशन है, बेसिकली entro@gmail.com जो कि मेरी जो फाइल है यहाँ पे। अब इसको डायरेक्ट आप ओपन फोल्डर लोकेशन करेंगे तो सीधे उसी लोकेशन पे आप जाके स्टे करेंगे जहाँ पे वो पर्टिकुलर फाइल कंटेंट्स है। तो ये बेसिकली आज का ये टारगेटिव वीडियो था कि कैसे आप अपने डेटाबेस फाइल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला वीडियो टारगेटिव होगा कि आप इस पर्टिकुलर डेटाबेस फाइल का बैकअप कैसे लेंगे, जिससे कि कोइंसिडेंटली यदि आपकी कोई भी पर्टिकुलर मेल आपकी बाय डिफॉल्ट डिलीट हो जाती है कैसे भी, तो उसको आप रिकवर कैसे करेंगे। जब तक आपके पास बैकअप नहीं है तो आप रिकवर नहीं कर सकते, तो इस विषय पे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज का ये हमारा टारगेटिव वीडियो था माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर व्यूअर्स, कि आप अपने आउटलुक के केस में अपनी डेटाबेस फाइल्स को कहाँ पे ढूंढेंगे, इसकी डिफॉल्ट लोकेशन क्या होती है, आप उसको कैसे प्राप्त करेंगे। सो आज का यही टारगेटिव वीडियो था माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियोस को सर्व करते रहें, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे माय डियर फ्रेंड्स।